हमारे YouTube चैनल जय हो ITI कैंपस पर आप सभी का स्वागत है। तो आप सभी के लिए लेटेस्ट रिक्वायरमेंट लेकर आ चुके हैं। यह जो रिक्वायरमेंट आई है वो 10वीं पास 12वीं पास ITI पास कैंडिडेट के लिए रिक्वायरमेंट निकाली गई है। भारी संख्या में लड़का का रिक्वायरमेंट है। तो जैसा कि आप अभी स्क्रीन पर देख सकते हैं, यह जो रिक्वायरमेंट आई है उस कंपनी का जो नाम है वो नाम है श्रीराम पिस्टन्स एंड रिंग्स लिमिटेड कंपनी। कंपनी का नाम क्या है? श्रीराम पिस्टन्स एंड रिंग्स लिमिटेड कंपनी है। यह जो कंपनी है वो ऑटो कंपोनेंट्स को मैन्युफैक्चरिंग करती है और यह जो कंपनी है वो भिवाड़ी अलवर राजस्थान की कंपनी है। कहाँ कंपनी है? भिवाड़ी अलवर राजस्थानी कंपनी है जो कि पथरेदी में पड़ता है। यहाँ पर पूरी एड्रेस दिया हुआ है, प्लॉट नंबर SP1192183 पथरेदी भिवाड़ी डिस्ट्रिक्ट पड़ता है अलवर राजस्थान में यह कंपनी है। इस कंपनी में मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ ITI पास और 10वीं पास 12वीं पास वाले के लिए रिक्वायरमेंट निकाली गई है। यहाँ पर देख सकते हैं जो ITI पास आउट है उनका अगर ट्रेड टूल फिटर हो या टर्नर हो या मशीनिस्ट हो या कोई भी ट्रेड हो, अगर आप सिर्फ ITI कंप्लीट कर चुके हैं तो आपको इस कंपनी में जॉब मिल जाएगी, श्रीराम पिस्टन्स एंड रिंग्स लिमिटेड कंपनी में। और इसके अलावा यहाँ पर देख सकते हैं नॉन आई टी आई कहने का मतलब जो ITI नहीं कर चुके हैं 10वीं पास 12वीं पास, जिसे PCM भी बोला जाता है, और आर्ट्स पार्षद यानी जो 12वीं में जो आर्ट्स से पास किए हैं, जो साइंस से किए हैं, वैसे अभ्यर्थी भी यहां पर जॉब के लिए आ सकते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं वेतन की मैं बात करता हूं तो यहां पर जो ITI पास आउट कैंडिडेट है उनको जो सैलरी दी जाएगी, इन हैंड सैलरी की मैं बात कर रहा हूं, वो 10,328 रुपये प्रति महीना दी जाएगी। और जो नॉन ITI हैं, जो 10वीं पास 12वीं पास हैं, उनकी जो सैलरी रहेगी वो 10,066 रुपये रहने वाली है। उम्र सीमा की बात करूं तो एज डेट ऑफ रिक्वायरमेंट के अनुसार आपका जो उम्र होना चाहिए वो 18 साल से लेकर 30 साल के बीच में होना चाहिए। सुविधाएं की बात करें तो ITI आपका कंप्लीट होना चाहिए और जो आपको दो जोड़ा यूनिफॉर्म मिल जाएगा, एक जोड़ा आपको सेफ्टी शूज़ मिल जाएगा, बस फैसिलिटी मिल जाएगी, एक टाइम आपको टी और स्नैक आपको मिल जाएगी ITI वाले के लिए। और जो नॉन ITI वाले हैं वो कैंटीन मिल जाएगी, लेकिन उनको लिए सब्सिडी पे करके कैंटीन का सुविधा ले सकते हैं। इसके लिए हम यहाँ पर देख सकते हैं यह जो कैंपस होने वाली है, यह कैंपस 19 तारीख को होने वाली है। कब होने वाली है? 19 जनवरी 2023 को होने वाली है। दिन पड़ता है बृहस्पतिवार, समय प्रातः 10 बजे से कैंपस से स्टार्ट हो जाएगी। और यह जो कैंपस कहाँ पर हो रही है आप लोग वीडियो में देख चुके हैं, आदर्श प्राइवेट ITI द्वारा यह कैंपस करवाई जा रही है जो कि प्रयागराज का यह ITI कॉलेज है। इसी कॉलेज में 19 तारीख को यह कैंपस होने वाली है।